गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट थर्ड है। हम लोग दो कर चुके हैं, आज तीसरी भी बारी है। और ये आपके सामने ये जो नंबर दिख रही है ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर इस सेट में मैथमेटिक्स की या कोई भी सब्जेक्ट में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लें। ये वाली जो क्वेश्चन दिख रही है जो इसकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं इसमें 15 क्वेश्चन पूछते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा 36 के पावर 1/6 आपको किसके बराबर है। आपको इसमें ऑप्शन बहुत सारे दिया है। ऑप्शन में एक दिया है आपको 6√6 और 6 का क्यूब। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये जो 36 है इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका पावर 1/6 है तो इसको मल्टीप्लाई 1/6 कर देंगे। तो ये 2 एकम 2 और ये 3 मर्ज में कट जाएगा, 3 और 6 के पावर क्या हो जाएगा 1/3। और 6 के पावर 1/3 का मतलब होता है इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यही बच्चा वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है किसी लघुत्तम पूर्ण संख्या को, जैसे कि आपको दिया है कोई पूर्ण संख्या है और बोल रहा है कि 9 5 9 5 3 5 इसे गुना करना है। और गुना करने के बाद वो गुना करने पर पूर्ण संख्या बन जाए, किसी संख्या में इससे गुणा करने के बाद वो संख्या जो आए उसका जो प्रोडक्ट आए वो पूर्ण संख्या बन जाए। तो पूछ रहे हैं कि x जो आएगी ये संख्या हो उसका आपको सम बताना है कि वो संख्या क्या हो। तो पहले निकालते हैं इसको बनाने का, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इसको वो गुणनखंड जो आप लोग पढ़े हैं उसको इसको बनाना पड़ेगा 5 9 5 3 5। तो 5 से जा रहा है हम लोग पढ़े हैं कि अगर इकाई अंक पे 5 है या 0 है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से 1 हो जाएगा, फिर 5 से 1 5 9 45 0 35। अब दिख रहे हैं कि किससे कटे तो 9 हो गया और 7 8 1 9, तो दोनों 9 9 18 है, 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे। 3 दिन का 9 10 3 6 18 1 3 दिन का 9 1 10 कैसे हो गया, 3 दिन का 9 10 11 3 9 27 3 6 18 8 9 27। फिर उसके बाद ये 3 से कट जाएगा, 3 हो जाएगा 9 2 और 3, 3 2 5 3 7 1 8 किससे कट रहा है, सही कट रहा है ना। 5 एकम 5 5 एकम 5 4 5 9 45 0 7 3 दिन का 9 10 11 2 3 9 27 28 29 2 3 6 18 2 3 9 27 3 एकम 2 3 दिन का 9 3 9 6 3 दिन का 9 और किससे कट रहा, 3 हो गया 2 5 5 3 8 1 9 फिर 3 से कट रहा है 3 चौका 12 13 3 चौका 12 3 एकम 4 4 8 1 9 हो गया। फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा 3 चौका 12 13 14 3 7 1 7 1 8 4 12 फिर 3 से कट रहा है ये क्या हो रहा है, 12 13 14 3 9 27 फिर आपको 7 से 7 कटे। अब देखना है कि पूर्ण इसका स्क्वायर कैसे बनाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ 2 3 हो गया तो ये तो स्क्वायर का रूप ले लिया, फिर यहाँ 2 3 ये भी हो जाएगा, फिर 7 7 यहाँ दिखाई दिया ये भी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ एक बच गया 5 और यहाँ बच गया 3, एक बच गया आपको 5 और एक बच गया 3। अब ये तो स्क्वायर नहीं होगा तो एक इसमें और क्या चीज से गुना कर देंगे, एक और 5 और एक और 3 से अगर इस संख्या में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 3 15 तो x की क्या वैल्यू, x की वैल्यू अगर 15 से गुना इसमें कर देंगे तो पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा। अब 15 का क्या होगा, आपसे सम पूछ रहा है कि इसका सम क्या होगा, तो 5 और 1 6। बस यही क्वेश्चन था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3
इसको स्क्वायर करने के लिए यही एक नियम होता है कि इसको गुणनखंड कर लीजिए, देखिए कि दो का जो सम, दो का पेयर बना लीजिए, दो दो का वो तो स्क्वायर हो जाएगा, जैसे तीन तीन का नौ तो तीन का स्क्वायर, तो उसको काट दीजिए जो बच गया उसे गुणा कर लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएम का 4 times है, एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 4 times मान लेंगे रेशियो, तो ये x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, साथ ही उन दोनों का योगफल जो है, यहाँ 4x और यहाँ 1x हो गया 5x, दोनों का जो योगफल है वो आपको दिया है 125, तो 5 से हो जाएगा 25, x के बराबर हो जाएगा 25। अब कह रहा है यदि एक संख्या आपको 100 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 25 25 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो एलसीएम में यहाँ 100 और गुना 25, और इसमें आपको दिया हुआ है कि एक संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या भाई सेकंड नंबर है, फर्स्ट ये भी सेकंड है, सर से चेक कट गया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 25। बस सिंपल था। तो रहा चौथा नंबर क्वेश्चन, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई जो संख्या आ रही है उसमें 10% की कमी की जाती है, तो फिर बताइए कि उसमें क्या मतलब कि वो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। इसमें कोई, ओ भाई साहब इसमें कोई प्रॉब्लम, चले आगे। चौथा है क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उस वक्त मान के चलिए कि वो संख्या 100 है, इसमें 10% की वृद्धि हो, यानी वो संख्या क्या होगी, 110 होगी। बढ़ी हुई संख्या कह रहे हो, बढ़ी हुई संख्या को 10% की कमी की जाती है, और फिर इसमें 10% की कमी यानी 90/100, 0 से 0 कट जाएगा, ये 99 हो गया, पहली संख्या 100 थी अब वो 99 हो गई, तो कितना परसेंट की वो डिस्काउंट हुआ या कमी हो रही, तो 1% डिक्रीज हो गया, 100 था 99 हो गया, तो 1%। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य कितना दिया है, 900, ये सब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वो जो मूल्य है वो 900 आपको दिया हुआ है, वो जो उस वस्तु पे जो प्रिंट होता है, मान के चलिए कोई वस्तु खरीदे उस पे जो MRP दिखा रहता है ना, तो वही ये दिया हुआ है, उस पे जो छपा हुआ मूल्य है वो 900 है। लेकिन एक खुदरा व्यापारी, कोई व्यापारी जा रहा है, कोई 40% बट उसको डिस्काउंट पे वो खरीद रहा है, तो 900 है, 900 है, उसको 40% डिस्काउंट पे खरीदा, तो यानी 40% डिस्काउंट यानी 60/100, 0 से 0 कट गया, ये 540 रुपया हो गया, डिस्काउंट पे खरीदा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये उसका क्रय मूल्य हो गया, CP हो गया, फिर इसे 900 रुपया में बेच देता है, अब इसी वस्तु को फिर से 900 रुपया में बेच दिया, 900 रुपया प्रिंट था, उसमें 40% बट्टा पर डिस्काउंट पे खरीदा, यानी 540 रुपये हो गए, 40% ऐसे भी निकाल सकते हैं, 900 का 40/100 निकाल लीजिए, तो 9 चौका 36, 360 हो गया, और 900 में से 360 घटा दीजिए तो 540 आ गया, तो डायरेक्ट हम निकाल लिए उसका 60%। तो कह रहे हैं कितना परसेंट लाभ हुआ, तो कितना परसेंट लाभ हुआ, वही 360 रुपये ज्यादा, इसमें कितना SEP हो गया, ISP हो गया, तो कितना ज्यादा है, 360 रुपये, तो ज्यादा गुना सर डिवाइडेड बाई किससे तुलना कर रहे हैं, पहले CP से, हमेशा CP हमेशा नीचे लिखते हैं, 18 × 36 = 18 क्या हो गया, ये हो जाएगा 200 / 3 × 18 × 18 = 2/3% हो गया, 66 × 2/3% क्या हो जाएगा उसका इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3,
अभी फाइव नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें कोई तकलीफ नहीं होने दे, बच्चा वाला है, आसान सा क्वेश्चन। और कॉन्स्टेबल में इसी लेवल के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आता ही नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे और इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, 75 रुपीज में वस्तु को बेचने पर, बोल रहा है कि 76 रुपीज में किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो 52% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट? 52% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेल की चीज हम बेच दिए कितना में? 152 में। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? कितना से कट रहा है? 2 से काट दे रहा है, 50 हो जाएगा। और देव 76 यहीं पे हो जाएगा। अब कह रहा है इतना में बेचने पर, यानी ये चीज इतना में बेच दिया, 76 में बेच रहा है, तो एसपी हो गया, यानी उसका सीपी कितना था? 50। कह रहा है यदि वो 75 रुपए में बेचे, कितना में बेचे? अब बोला है कि आपको अगर इतना में तो हो गया, बोला है कि इतना में बेचने पर उसको 52% का प्रॉफिट हो रहा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 50:76। यहाँ देखते हैं तो 76 तो यहाँ बेचने पर बोल रहे हैं, यानी ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। अब एसपी तो दिया है यहाँ इतना रुपए बेचने पर, तो सीपी यहाँ से कितना निकल गया? 50 रुपए सीपी हो गया। अब कह रहा है आपको इस चीज को 75 रुपीज में बेचने पर आपको क्या प्रॉफिट होगा, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? एसपी हो, नया एसपी, ये तो पुराना एसपी था, अभी नया एसपी इतना दिया है, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25 रुपीज का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट गुना 100 डिवाइडेड बाई, हमेशा सीपी हमेशा कहाँ लिखते हैं? नीचे, तो 50 से हो जाएगा, यानी 50% का प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है नहीं? चले आगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स था, क्वेश्चन नंबर सेवन, दिया है 3, 5, 7, 9, 11 and so on 25। इसका पूछ रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज इसका क्या होगा? तो एक क्या है? विषम संख्या है, तीन भी सारे के सारे विषम संख्या, तो निकाल लेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या बताए थे? एवरेज संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं का योग। अब इसका सम निकालना पड़ेगा, तो इसको तो अब निकालते तब तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो इसका तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लगातार विषम संख्याओं का योग, n का स्क्वायर हो जाता है। n जो दिया है लास्ट वाला, n संख्या कितना है? 25, यानी 25 गुना 25 हो जाएगा, यानी यहां से लेके एक से लेके और 25 तक इसका सम कितना हो जाएगा? 25 × 25। अब कह रहा है उसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या बताए थे? संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना है? 25 × 25, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या यहां से वहां तक कितनी होगी? 25 का कितना बच जाएगा? तो इतना तामझाम नहीं करना है, याद रखिएगा कि अगर कोई भी विषम संख्या का अगर आपको सीरीज दिया हो, अगर उसका एवरेज पूछे, तो बस उसका एवरेज क्या हो जाती है? यही संख्या 25, बस वहीं ये लगी, वो तो यहाँ एक तो एक उसको कट ही जाना, तो जो वहाँ संख्या इन वाली है वही उसका एवरेज हो जाना। चले आगे, सेवन नंबर का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2.5 अनुपात में एक प्रत्येक पद को क्या जोड़ा जाए? दिया है कि आपको कोई रेशियो 2.5 दिया है, कोई रेशियो दिया है 2.5 में, 2.5 अनुपात से कोई पद दिया हुआ है, इतना के रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है इस दोनों संख्या में, ये इसमें और इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये रेशियो हो जाए 5:6 हो जाए। तो रेशियो कम बोले थे कि रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले थे ना, रेशियो जो पढ़ाए थे तो हम बोले थे कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं,
तो 2/5 अब कह रहा है इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए, वो संख्या क्या हो जाए, 5:6 हो जाए। तो बना सकते हैं यहाँ से 12 6x 25 + 5x, एक्स इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। बस यही कह रहा है कि वो संख्या क्या थी, तो यही x तो जोड़े हैं दोनों में तो x की वैल्यू आ गई 13, यानी वो संख्या 13 अगर दोनों में जोड़ देते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगी 5:6। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध और पानी का एक मिश्रण है, मिल्क और वाटर का एक कोई रेशियो दिया हुआ है, जिसमें दूध और पानी का रेशियो जो दिया है, जो मिल्क है वाटर का 3:5 है, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ठीक है, मिल्क जो है वाटर का 3/5 है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। तदनुसार उन पूर्णांक में आपको दूध का भाग बताना है, तो मिल्क का भाग क्या होगा, तो मिल्क कितना है 3 है, और कह रहा है उसका भाग पूछ रहा है यानी टोटल, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 8, तो मिल्क का इसमें भाग कितना हो जाएगा 3/8, और पूछ दे कि वाटर का अगर भाग पूछ दे तो 5/5, बस जिसका भाग पूछ दे उसको ऊपर और पूरा का सम क्या होगा उसके नीचे, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। ये मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे तो ये पहला ही क्वेश्चन है, उसके उस पर और सारे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे मैं जब हम मिक्सचर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 18 वर्ष पहले, आपको एज में पढ़ा चुका हूँ, आप इसे बना भी सकते हैं। 18 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात, ए और बी का जो आयु का रेशियो है 8:13, यदि उनकी आयु की वर्तमान आयु, यहाँ वर्तमान बोले थे ना कि यहाँ प्रेजेंट होता है, आगे पास्ट और बाद में फ्यूचर, तो कह रहे उनकी आयु की वर्तमान आयु यहाँ जो है a:b जो है 5:7 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रही है, यहाँ ए की आयु क्या होगी, तो मैं बोला था कि इसका ये जो गैप है हमेशा क्या होगा बराबर होता है, तो 8 और यहाँ कितना का गैप है 5 का गैप है, और यहाँ कितना का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 26 और यहाँ हो जाएगा 10 और ये 35, ये हो जाएगा 5 से 25 हो जाएगा और ये 35। अभी 16 से पढ़ के कितना हो गया 25, कितना बढ़ा 9 बढ़ा है, रेशियो में 9 बढ़ा है, पर क्वेश्चन में कितना यहाँ दिया है, क्वेश्चन में 18 दिया है कि वहां तो 18 बढ़ा है, तो रेशियो में एक की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 आएगी, अब पूछ रहा है कि आपसे यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 × 2 कितना हो जाएगा 50 वर्ष, और किसी का भी निकाल सकते हैं, आपको बी का पूछ दे तो बी में भी गुना कर देंगे यानी 70 वर्ष, जिससे जिसका पूछे उसका आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कह दे या अगर ये तो आपका आंसर हो गया, यहाँ तक आपका आंसर यहीं तक था, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर 10 था कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए की वर्तमान आयु यहाँ तक होगी, अगर आपसे पूछ सकता है कि 5 साल बाद, ये तो पहले था, और 5 साल बाद फिर ए की आयु क्या हो जाएगी, 5 साल बाद हमेशा जब इधर से हम इधर की तरफ जाएंगे तो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, तो 50 साल है और 5 साल और जोड़ दे के आएंगे 55 साल हो जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं एज प्रॉब्लम। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 देखते हैं, ए तथा बी की ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को मिलकर जो एक साथ मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं,
ये अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है। अब यहाँ ये जो है उस अकेला उसे 20 डेज में कर सकता है। तो ए और बी कितना में कर रहा, 12 में, और यहाँ ए कितना में कर रहा, 20। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये 60 में क्या बताया था कि ये 60 टोटल वर्क हो गया, तो 12 से ए और बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 5, और ए का ये अकेले काम कितना हो जाएगा, 3 हो गया। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में, यदि बी हर रोज केवल आधा काम करे, अब यहाँ ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो यहाँ ए का 3 हो जाएगा तो बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। कह रहा है ए बी की एफिशिएंसी क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, तो बी की एफिशिएंसी 2 है लेकिन उसको आधी, आधी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, अब बी का आधी कर दिया जाए और ए का कितना है, ए का 3 है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 60 है ही, और हमारा ये दोनों मिलकर 4 काम करेंगे, यानी 15 डेज, यानी 15 दिन में वो दोनों मिलकर काम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन हम किए हैं टाइम एंड वर्क, आप लोग देखिएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क, देखिएगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो आपको 54 किलोमीटर पर आवर है, अभी कह रहा है कि इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर को हम अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसमें कितना से गुना करते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे, और मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो किससे गुना कर देंगे, 18/5 से गुना कर। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें हम गुना किससे करें, 5/18 से करें कि 18/5 से करें, ये बहुत प्रॉब्लम होता है, वहां आदमी भूल जाता है कि हम इसमें किससे गुना करें, क्या था। तो इसके याद करने का छोटा सा मैं बता देता हूं आपको तरीका, कि किलोमीटर दिया हुआ है और उसको मुझे बदलना है मीटर पर सेकंड में लाना है, तो मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर थोड़ी सी लंबी दूरी हो जाती है और मीटर क्या हो गई, छोटी सी दूरी हो गई, तो जिसमें हमको लाना है उसको क्या लिखेंगे, ऊपर, यानी मीटर क्या है, छोटी इकाई है, तो हम छोटा वाले को ऊपर लिखेंगे और बड़ा वाले को नीचे लिख देंगे। अगर उसी तरह से मीटर पर सेकंड दिया है और आपको किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड क्या है, छोटी इकाई है, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी बड़ी इकाई हो जाएगी, तो बड़ा में जब लाना है, जिसमें बदलना है उससे हम ऊपर ऊपर कर देंगे, यानी 18 को ऊपर कर देंगे और नीचे 5 को कर देंगे। उसी तरह से कह रहा है 55 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको क्या में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड से किस में गुना कर देंगे, तो 54 में हम गुना कर देंगे 5/18 से, 18 × 54 5 × 15 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल था, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है ताकि आप वहां भूले नहीं, बस इसे ध्यान दीजिए, हालांकि याद ही रहता है, उसे भूल जाएंगे तो फिर करेंगे क्या। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, 800 रुपए की राशि, 800 रुपए की कोई राशि है, 3 वर्षों में उसका साधारण ब्याज इतना रुपए हो जाता है, 3 ईयर का समय है और आपको हो जाता है 920 रुपीज हो जाती है, यानी ये अमाउंट दिया है, ये मिश्रधन हो गया, तो ब्याज क्या हो जाएगा, 920 में से घटा लेंगे 800, यानी 120 रुपये क्या हो गया आपको, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन 800 दिया, मूलधन गुना समय, समय 3 गुना रेट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना जो 0 से 0 और कितना हो जाएगा, 3 से 1 कितना हो जाएगा, 40, 8 से कितना हो जाएगा, 5, यानी रेट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 5%। अब आपसे पूछ रहा है तो इतना परसेंट प्रतिवर्ष, अगर यदि अब कह रहा है कि रेट को
3% बढ़ा दिया जाए, तो 3% अगर बढ़ा देते हैं तो रेट कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो उसी समय अवधि में यानी तीन वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, वही राशि पहले वाली, तो पहले वाली राशि कितनी थी 800, और उसी वर्ष में तीन मूलधन गुने समय दर कितना हो जाएगा, 8% बढ़ के हो गया डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा 24, 8 × 32 के दो हाथ मिला हैंड में 3 और 16 × 3 19 इतना रुपये का हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, और 800 रुपये हमारे का है आपको पहले से दिया हुआ मूलधन, तो 9,952 रुपया क्या हो, राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी 992, तो वही 992 आपका आंसर हो जाएगा 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एडवांस का क्वेश्चन है अभी से, ऐसा ही ये क्या हो गया कोण हो गया शंकु, कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल है ए वाले भाग का आधार, ये बेस का जो क्षेत्रफल है आपको दिया है, एरिया दिया है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट यहाँ से यहाँ तक जो आपकी हाइट हो गई ये दिया है 10, तो कह रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, तो देख रहे हैं एरिया, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr² यानी πr² का वैल्यू दिया है 56 57, तो निकाल लेंगे 1/1/3, अब यहाँ πr² की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 57 और हाइट यहाँ दिया है मेंशन है 10, काट देंगे 3 × 9 = 27 यानी 190 वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम है तो क्यूब हो जाएगा। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक त्रिभुज है, ये समत्रिभुज है, समत्रिभुज का मतलब हो गया कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती है उसे सब समबाहु त्रिभुज या समचतुर्भुज, समत्रिभुज त्रिभुज कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी प्रत्येक भुजा क्या दिया है, दिया है कि ये बराबर है 6 दिया हुआ है, तीनों से ए भी 6 और ए भी 6 मेंशन आपको दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुना a² ए, इसका फॉर्मूला याद रखिए √3/4 और गुना 6 × 6 2 3 और ये 2 से 3 यानी हो जाएगा 9 रूट अंडर कितना 3, अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 15 आज का लास्ट क्वेश्चन, तो ठीक है कोई दिक्कत तकलीफ होगा तो आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसे बता दूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके।